नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी चीजें जिससे आप जानेंगे कि नवरात्रि के उपवास को किस तरह से रखा जाता है और नवरात्रि में क्या करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में सभी जानते हैं कि माता दुर्गा की पूजा की जाती है, माता दुर्गा की उपासना भी की जाती है और इन दिनों में कुछ चीजें वर्जित होती हैं, जैसे शराब का पीना, मांस का खाना और भी कई चीजें हैं जिन्हें वर्जित कहा जाता है। आप जानते हैं नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा तो की जाती है, माँ दुर्गा किसकी उपासक हैं? माँ दुर्गा की उपासना, नौ देवियों का त्योहार होता है ये नवरात्रि का त्योहार। नवरात्रि में नौ दिनों तक ये पूजा की जाती है और नौ दिनों के बाद कन्याओं को खिलाकर उनको बिठाकर अच्छे से और फिर उनकी विदाई दी जाती है। माता दुर्गा की लास्ट नवरात्रि पर उनकी विदाई दी जाती है। जिन घरों में माता दुर्गा की स्थापना की जाती है उन घरों में उपासना के लिए व्रत भी रखे जाते हैं। जो लेडी से अपने व्रत को निभा सकती हैं वह व्रत नौ दिनों तक रखती हैं और जो व्रत नहीं कर सकती हैं वह लास्ट और शुरू कर रखती हैं। नवरात्रि में अन्न खाना वर्जित होता है। नवरात्रि में अन्न न खाने के दो कारण हैं, पहला धार्मिक और दूसरा तार्किक। कहा जाता है कि नवरात्रि में भोजन न खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसके कारण आप अपने पेट संबंधित सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। बहुत से लोग नवरात्रि में भोजन नहीं करते हैं, लौंग के जोड़े पर ही व्रत रखते हैं। नवरात्रि के दिनों में लोग उपासक की नई रस्म होती है, उस रस्म में लोग सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव अपनी बॉडी में लेकर आते हैं, जिससे नई ऊर्जाएं प्रदान होती हैं। नवरात्रि के जो व्रत पड़ते हैं वो बदलते मौसम के अनुसार पड़ते हैं, उन दिनों में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, इसलिए उन दिनों में संतुलित आहार खाने के लिए कहा जाता है। नवरात्रि के दिनों में लहसुन, प्याज, मांस आदि का वर्जित होते हैं, क्योंकि ये बदलते मौसम के अनुसार पेट में गड़बड़ी पैदा करती हैं, जिसकी वजह से इन्हें वर्जित कहा जाता है। लंबे समय तक एक ही प्रकार का भोजन करने से हमारी पाचन क्रिया एक ही तरह की काम करती है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में नौ दिनों तक हल्का भोजन करने के लिए तार्किक दिया गया है, ताकि आप हस्ट पुष्ट रहें और आगे तक आपका जीवन सदा बना रहे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।